प्रधानमंत्री मोदी की, जिन्होंने भारत के इतिहास को लेकर आज बड़ी बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के इतिहास को दबाया गया है, पहले जानबूझकर विदेशी एजेंडा बढ़ाने का काम किया गया। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है, ये योद्धाओं का इतिहास है, अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। हम इन गलतियों को सुधार रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। आजादी के बाद जरूरत थी हमें गुलाम बनाने वाले विदेशियों के एजेंडे को बदला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देश के हर कोने में मां भारती के वीर बेटे बेटियों ने कैसे आतताइयों का मुकाबला किया, अपना जीवन समर्पित कर दिया, इसे जानबूझकर दबा दिया गया। बता दें, प्रधानमंत्री शुक्रवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में असम के वीर सपूत लचित बरफुकान की 400वीं जयंती कार्यक्रम के समापन समारोह में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सेनापति लचित के योगदान को भी याद किया और देश के इतिहास को लेकर अपनी बात रखी। भारत का इतिहास जय का है, भारत का इतिहास जंग का है, भारत का इतिहास त्याग का है, तप का है, भारत का इतिहास वीरता का है, बलिदान का है, महान परंपरा का है। लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। आजादी के बाद जरूरत थी हमें गुलाम बनाने वाले विदेशियों के एजेंडे को बदला जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। देश के हर कोने में मां भारती के वीर बेटे बेटियों ने कैसे आतताइयों का मुकाबला किया, अपना जीवन समर्पित कर दिया, इस इतिहास को जानबूझ करके दबा दिया गया। पहले जो गलती हुई अब देश उसे सुधार रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने इतिहास को फिर से लिखने के लिए एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट के तहत भारत का इतिहास फिर से लिखा जाएगा और इसका मकसद है कि पहले जो भी झूठ बताया गया है उसे खत्म करना है और फैक्ट्स के साथ इतिहास लिखना है। ICHR की तरफ से काम शुरू हो गया है। इसके पहले हिस्से को मार्च 2023 में जारी कर दिया जाएगा। 100 से ज्यादा इतिहासकार इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो चलिए अब आपको कुछ ऐसे देशों के बारे में बताते हैं जिन्होंने इतिहास की किताबों को बदला। हालांकि इस पर विवाद है कि इन्होंने अपने फायदे के लिए एडिटिंग की, और ये देश है साउथ कोरिया, चीन, इराक, जापान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ये तमाम वो देश हैं, मुल्कों के नाम हैं जिन्होंने किताबें बदली हैं, परिवर्तन किया है, इतिहास को बदला है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद एक बार फिर से इस विषय पर बहस गर्म हो गई है और चर्चाएं चल रही हैं।